आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्जी। तुरई और चना दाल की सब्जी बनाएंगे। चलिए इसको पहले हम लोग कट कर लेते हैं छील के। देखिए मैंने कढ़ाई में चना दाल को उबालने के लिए रख दिया है। मैंने तुरई को कट कर लिया है और इसको धो के रख दी हूँ। अब ये टमाटर है, टमाटर ये दो टमाटर था उसको मैं कट कर चुकी हूँ। और एक प्याज लेंगे, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च है दो, उसको मैंने तोड़ के रख दिया है। और ये लहसुन, अदरक, इसको क्रश करके डालेंगे। और मैं ये हींग ले रही हूँ, दो चुटकी हींग डालेंगे इसमें। नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। और ये मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये एक बड़े चम्मच मैं तेल डालूँगी। ये सबसे पहले मैंने अदरक को क्रश करके इसमें डाल दिया है। चलिए आधा चम्मच जीरा, सूखा मिर्च था और उसको डाल देते हैं। लहसुन, इसको कट करके मैंने डाल दिया है। चलिए इसको दो मिनट पक लेते हैं। ये हींग, हींग का फ्लेवर आने के लिए थोड़ा सा ढक के रखना पड़ेगा। उसके बाद प्याज डाल देते हैं, इसको अच्छे से भूनने देते हैं दो से तीन मिनट के लिए। ये प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं, इसमें टमाटर डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला देते हैं। टमाटर के गलते तक भूनने देते हैं। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है। ये दाल को इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिला देंगे। चलिए इसमें हम लोग तुरई को ऐड कर देंगे, सारे तुरई डाल देंगे। तब तक एक साथ हम लोग मिला देंगे इसको। ताकि नमक थोड़े सब्जियों में लग जाए। ये हमारी तुरई में तो पहले से ही पानी है, पानी में ही तुरई गलेगा। ये मैं चना दाल का थोड़ा सा पानी भी रखी थी, इसको भी ऐड कर देती हूँ। चलिए इसको अच्छे से पकने देते हैं हम लोग। ये आधा कप जैसा पानी मैं और इसमें ऐड करेंगे। हम लोग ढक्कन ढक देंगे और इसे पकने देंगे। देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। ये करीबन इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना पड़ा है, थोड़ा सा कम करने के लिए। और ये तुरई है इसको गलाने के लिए। चलिए गैस का फ्लेम हम लोग बंद कर देते हैं और ऊपर से धनिया पत्ता डाल देते हैं। देखिए हमारी सब्जी रेडी है। आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए और बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तुरई और चना दाल की सब्जी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। और देखिए ये कैसे किस तरह से बनती है और बहुत अच्छी टेस्ट में बना रही हूँ मैं। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। चलिए इसका प्रोसेस देखिए। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्याज की सूखी चटपटी सब्जी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए प्रोसेस आगे देखते हैं।